कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोरालिटीज को आप अपनी कंडीशनिंग लेके जाते हैं. तो जैसे आप खुद को प्रेजेंट करते हैं नेचुरली ऑटोमेटिकली हो जाता है प्रेजेंट, वो उसको एक आईना दिखाता है, यू नो, बिकॉज दे आर नॉट रॉन्ग. और अगर वो उस चीज में जी रहे हैं, अगर वो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं और कोई फोर्स नहीं कर रहा है, तो वो उस चीज को कौन ऐसे ही गलत बताने लगा. आप लोग तो पूछते हैं कि मतलब मैं एक सेट ऑफ बोलने के जा रहा हूँ कि मैं इनकी मदद करूंगा, बट ऐसा तो उनको कोई फील नहीं होता है. दे एक्चुअली सम ऑफ देम, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट दे सेलिब्रेट लाइफ एंड दे नो हाउ टू कीप देमसेल्फ हैप्पी. सो ऐसा मुझे देखने में भी आया है और मिलकर लगा भी है. मतलब वो जिस मोमेंट में जैसी कठिनाइयों में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी अपनी दुनिया है, वो हंसते भी हैं, एक दूसरे के बच्चे भी संभालते हैं. और यू नो, हमसे ज्यादा लाइटली है क्योंकि हम लोग हर छोटी छोटी बात पर उन्हें बैठ जाते हैं. तो उनको मालूम है कि अगर वो उनकी यू नो इसी चीज से उनका काम आगे बढ़ेगा, और अगर वो डिप्रेशन में चले जाएंगे तो उनका काम बंद हो जाए. तो कई लोगों ने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है. हाँ, कुछ मतलब ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी टॉर्चर्स हैं, बहुत सारी चीजें जिनसे उनको निकलना चाहिए, बट जब हम ये मान लेते हैं ना कि ये दर्जा यहाँ इसको यहाँ आना चाहिए, तो हम कोई नहीं होते हैं वो डिसाइड करने वाले कि वो किस दर्जे. मैंने एक्चुअली बहुत कॉन्शियसली कोशिश की कि मैं सेक्स वर्कर्स पे इतना रिसर्च ना करूं, क्योंकि मुझे एक्चुअली लगता है कि ये कहानी लोगों के बारे में, ये इतनी सेक्स वर्कर्स के बारे में नहीं है. सो आई थॉट दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्स, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, देन इट्स फार मोर इफेक्टिव देन ओहो देखो क्या बड़ी बात हो गई, देन इट बिकम्स अ डेली एवरीडे रूटीन प्रॉब्लम. मुझे नहीं सो देन समझ, मतलब उनको ठीक लगता है क्योंकि उन्हीं से उनकी लाइफ उठ जाती है.